वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल नामा। दोस्तों आज मैं खड़ा हुआ हूँ पंजाब की शान शाने पंजाब, इससे मेरे आज का सफर है न्यू दिल्ली से लुधियाना। ये मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हुआ ये है कि अब मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो मुझे एसी की सीट नहीं मिली, तो मैं ऑर्डिनरी सेकंड क्लास में जाऊंगा। ये भी एक्सपीरियंस देखने को अच्छा मिलेगा। और आइए मेरे साथ, ये मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16, ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म है, अजमेरी गेट की साइड वाला है, दूसरा जो पहाड़गंज वाली साइड वाला वहाँ एक से शुरू होते हैं। तो ये है 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अब मैं चलूंगा अपने डी कोच पे, जो सेकंड सिटिंग होता है उसका नाम डी दिया है, तो डी 10 हमारे कोच का नंबर है। तो आज देखते हैं कैसा खबर रहता है हमारा। ये 23 मिनट हो चुके हैं, 40 का डिपार्चर है इसका, तो देखते हैं लगता है टाइम पे चलनी चाहिए। जाने पंजाब ताज एक्सप्रेस, इसका मतलब ये है कि ये रेक है ना, रेक एक पूरे जो ट्रेन से रेक बोलते हैं, तो ये ताज एक्सप्रेस का लिंक है, तो जहाँ से आई है उसके बाद ये ताज एक्सप्रेस वहाँ से आई। ये हो गया जी 640, और ये आरपीएफ का स्टाफ लग रहा है, या दिल्ली पुलिस को अगर नजर नहीं आ रहा तो ये अब मैं देखता हूँ कितने बजे चलाते हैं। 6:40 हो गए हैं, राइट, अभी थोड़ा लेट चला रहा है ये। तो ये देखो, ये होता है साइन, और ये चल पड़ी ना फैंटास्टिक। और ये जो पैसेंजर है चलती हुई ट्रेन में चढ़ रहे हैं, ये ओए ये आगे भी ये ओए 6:41 हो गया। तो ये है जी न्यू, आ जाओ फोन खोल लेना ना, ढके दे है, हां डाल दे अंदर, क्या है बैठ ले लो ये भाई साहब मुझे फोन कर गए हैं कि भैया फोन चोरी कर लेंगे, ध्यान से रखना, तो मैं इसीलिए थोड़ा अंदर आ गया हूँ। ये देखो जी, ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 से शार्प एट 6:40, और ये हो गया 6:41। तो ये व्यूज है जी जन आहार, वाह जी वाह। ये है जी पार्क के व्यू, यहाँ पार्किंग मेरा है के एफ सी, आजकल तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गई है, रेस्टोरेंट जरा काफी अच्छी क्वालिटी के बन गए हैं। दर्शन से जो है देखो ये अरे वाह, मुझे लगता है कि ये दिल्ली पुलिस वाले ने जो आरपीएफ का प्रस्ताव है उसने रोकी हो गई है। ये है ये सेकंड क्लास के व्यूज, ये एसी और सेकंड क्लास में डिफरेंस ये रहता है, एसी के आगे लगे होते हैं शीशे, तो वे कई दफा गंदे रहते हैं, तो व्यूज उसके इतने अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन सेकंड क्लास में ये चार्म है, इसमें ये शीशे नहीं होते और बाहर के व्यूज काफी अच्छे आते हैं। ये खड़ी हुई है राजधानी एक्सप्रेस, ये यहाँ पे सफाई वाई मेंटेनेंस का काम होता है इसका, ये जो शेड लगा हुआ है ना, मुझे लगता है यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता है। ये लगता है आई होगी सुबह सुबह, और यहाँ पे साफ सफाई होके, और जनरली शाम को फिर जब वापसी के लिए चल पड़ती है। ये वाली चीज, ये इसका नाम है लाहौरी गेट, ये हो गया जी 6:52, और अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली सदर बाजार। और ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है कि जब दिल्ली पुरानी दिल्ली स्टेशन बना था, इसके बाद न्यू दिल्ली स्टेशन, ये अर्ली 50s में ये जगह न्यू दिल्ली स्टेशन यहाँ बना था। ये हमारी जो चीज नजर आ रही है, थोड़ा निकल गई पीछे, ये लोगों का काफी लोगों का कम पता है। ये लाइन जा रही है पुरानी दिल्ली स्टेशन की तरफ, लालगढ़ से डिब्रूगढ़, लालगढ़ राजस्थान में है, और ये डिब्रूगढ़ ट्रेन जाएगी। ये जो ऊपर जा रही है जी दिल्ली मेट्रो की लाइन, ये सेकंड क्लास में ना ये रहता है, एसी में तो ये वेंडर्स अलाउड नहीं होते, लेकिन यहाँ चाय गर्म गर्मा गर्म मिलेगी सीट के ऊपर। ये जो नजर आ रहा है जी, इंडिया में तकरीबन रवि रेलवे स्टेशन के आसपास जो है थोड़ा लो इनकम वाले ग्रुप ज्यादा रहते हैं,
तो ये यहाँ के व्यूज नजर आ रहे हैं। एक मैंने वीडियो बनाई थी लोकल ट्रेन की, उसमें भी ऐसा कुछ ही था। ये देखिए, ये रेलवे की लाइन है मोस्ट लाइकली, और इसमें हंड्रेड्स, हंड्रेड तो नहीं बोलते, छोटी सी जगह है इसमें, ये क्लस्टर जो है, ये छोटी छोटी जगह है, पांच पांच छह छह फुट ला के अपना विस्तार पे लोग लगा के कवर करके रहने का इंतजाम किया हुआ है। ये बकरियां भी चल रही हैं जी। टाइम हो गया 7:25, अभी हम दिल्ली में ही हैं। रेला कुछ देर पहले पार किया। मुझे ये लगता है कि ये कोच पहले जन शताब्दी में चलते होंगे, वहाँ थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर दी, और इसको इन कोचेज को शाने पंजाब में इसने कन्वर्ट कर दिया। एज वही है, काफी कंफर्टेबल है। पहले जब चलती थी ना तो सीटें डिफरेंट किस्म की होती थी, तो रीजनेबली कंफर्टेबल है। आपको एसी तो नहीं है, सिमिलरली वैसे ही यहाँ लगे के लिए सेम है। आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी शताब्दी एक्सप्रेस में, वो ऐसे ही थे, लगे का भी रखने का ऐसे प्रोविजन था, सीट भी ऐसी थी, लेकिन आपको उसमें एसी था, ये एसी नहीं है। तो ये ऐसे ही यहाँ पर जो है खाने के लिए टेबल बनाया हुआ है, लेकिन हालत थोड़ी ना खस्ता ही रहते हैं, ये जो टूटा हुआ है, तो इसलिए ये पानी के बॉटल रखने का भी यही इंतजाम है। ये आ गया, ये सोनीपत रेलवे स्टेशन, यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है इसका। तो ये पैसेंजर जो है फटाफट चढ़ रहे हैं, इसके रश काफी रहता है। अब मुझे लगता है कि रिजर्वेशन वाले ही होंगे, अनरिजर्व वाले तो कॉफी पता नहीं कुछ, ये देखते हैं आगे। लेकिन ये है जी सोनीपत रेलवे स्टेशन का दूसरी तरफ, ये EMU दिल्ली नई दिल्ली की तरफ जा रही होगी, और टाइम हो गया 7:39, और ये जो पैसेंजर्स हैं ट्रैक पे उतरे हैं। ये लाइफ ट्रेन जो है ना दिल्ली में इंडिया में नजर आता है, ये देखो ये जो चीज है, लोग इसी ट्रेन से उतरे हैं और ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं। तो बादल आने से ये इंजन ने दे दिया हॉर्न, ये चलने वाली है, और ये लोग दौड़ दौड़ के चढ़ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ के व्यूज है, सिग्नल हो गया ग्रीन, तो ये अभी चलेगी और ये चलते हैं। इनका कोच पता नहीं किधर होगा किधर नहीं होगा, तो मैं भी चलते भी चढ़ूंगा। ये ग्रीन दे दी उसने, ये लाइफ है मजेदार। ये जो आवाज आती है ना ट्रैक की, ये अपना ही म्यूजिक देती है ये। वाओ, एक और आ गया सेकंड क्लास में, ये म्यूजिक देते हैं, ये भागने वाला आया है, पता नहीं यहाँ कोई सब कोई एंटर कर सकता है, तो बिल्कुल तैयार है। ये आज 14 अप्रैल है और कल थी बैसाखी, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि किसानों की मेहनत का फल इसी से मिलता है, जो पिछले 5-6 महीने में इन्होंने मेहनत की होती है। ये फसल कटेगी, मार्केट में जाएगी, और इसके बाद ही उन बेचारों की रोजी रोटी का जरिया बनेगा। ये नजर आ रहा है जी, बहुत ही खूबसूरत गेहूं के खेत, गोल्डन कलर, फैंटास्टिक। ये भाई साहब चाय वाले साहब आए हैं जी, ये पता नहीं कितने की दे रहे हैं। ये ट्रेन का बड़ा मजे आ रहे हैं, सेकंड क्लास में ये इसने चाय का लिया हुआ कैन, और इसमें ये कप रखे हुए, कितने की देते बेटे? 10 रुपए पूरी आधी पूरे भर के नहीं आते, टैंक आधा देते हो। ये आ गया जी पानी पर रेलवे स्टेशन, टाइम हो गया है 8:13। पानीपत जो है पानीपत की लड़ाइयों के लिए बहुत मशहूर है, 3 जगह हुई थी कहते हैं यहाँ पर। प्लीज चेंज एयरपोर्ट, मैं उतरता हूँ और बाहर में देखता हूँ कैसे नजर आते हैं, जल्दी जल्दी मैं भी उतर जाऊँ भैया। इसका जो स्टेशन कोड है, क्योंकि जब रिजर्वेशन करानी होती है तो आजकल सारा कंप्यूटराइज होता है, तो उसमें भैया PNP स्टेशन का कोड है। ये पकौड़ों की दुकान है, लोग फटाफट उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं, देखो ये लाइफ स्टाइल है। 2 मिनट रुके कि मैं भी चढ़ जाऊँ, कहीं ऐसा रहे कि मैं ही रुक जाऊँ उतर जाऊँ, मैं रुक जाऊँ गाड़ी मुझे छोड़ के भाग जाए। ओए बाय बाय। ये देखो ये सब नई दिल्ली स्टेशन थे, इनका कोच कोई और था, और जो सामने आया था इसी के ऊपर बैठ गए थे, लगेज काफी सारी है इनकी। ये है जी डोर सर्विस, ये पकोड़े क्या देते हो जी यहाँ पर? पूड़ी, पूड़ी 1, 2, 3, 5, 6 कितने की? 30 रुपए की 6 पूड़ियां है जी। वाह, ये और एक ट्रेन चलने वाली है भैया, मैं भाग जाता हूँ। ये है जी डोर सर्विस, ये
सीट के ऊपर दे रहे हैं ये भाई साहब पकौड़े दे रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा है ये 3.50 के 4.60 के, उधर भी यही चीज दे रहे हैं, ये मजेदार चीज है। मिल बांट के सर्विस हो रही है जी, चाय चाय दे रहे हैं, ये किसने डिमांड की है? अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए भैया, ना मुझे नहीं चाहिए। ये जो भाई साहब नीचे बेच रहे ना, कोच के अंदर आ गए हैं, ये बेच रहे हैं, देखो एक नहीं बहुत सारे हैं ये, मजेदार है आलू के साथ। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी चलती ट्रेन में उतरे गए। अरे वाह वाह, ये बेच दिए बेच दिए, इससे कितने बेचे भाई ये? ठीक है ठीक है ठीक है, चल पड़ी ट्रेन, चलो चल देखो, ये स्टाइल है, इसने भेज दिए और ये चल, अरे वाह वाह उतर गया। और ये साधु संत भी देखने को मिलते हैं ये इंडियन रेलवे, हो गया जी प्लेटफॉर्म का। तुम बड़ी कितनी अच्छी प्यारी आवाज आ रही है। एसी कोचिंग की तो मैंने आपके टॉयलेट पहले दिखाई हुई है दूसरे वीडियो में, अब मैं ऑर्डिनरी सेकंड क्लास के अंदर जाके ये दिखाता हूँ कि टॉयलेट्स की क्या कंडीशन है। ये थोड़ी जगह कम है, ये देखो जी काफी घर बड़ा हुआ है, वो तो पहले ये शताब्दी वाला ही था, जन शताब्दी वाला, लेकिन साफ सफाई थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, पहले किसी टाइम शताब्दी का कोच रहा होगा, इसमें सब हीटिंग वीटिंग का अरेंजमेंट, जो फूड को वार्म करने के लिए सब अरेंजमेंट होता है। ये नारियल भी बिक रहे हैं जी, वाह वाह, कितने का देते हो, कितने का देते हो भाई साहब? हैं 10 रुपए का। ये हम पहुंच गए हैं जी करनाल और टाइम हो गया 8:41। जब मैं नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ था तो मुझे स्ट्राइक नहीं किया था, मैं क्या कुछ लोगों की जो जिन्होंने ऑनलाइन रिजर्वेशन करानी है उसकी मतलब गाइडेंस के लिए ये स्टेशन कोड भी बताना जरूरी है, आपके नहीं बता रहा करनाल का स्टेशन कोड है KUN KUN। ये भाई साहब रेलवे वाले, इनसे मैंने कंफर्म कर लिया, पहले पता न्यू दिल्ली का NDLS है जी। ये भैया मेरे फैन हो गए, ये नॉर्मल नाम है मेरे चैनल का नाम, करोगे सब्सक्राइब? बोलो ना यार, हैं इंडिया से बाहर की ज्यादा होती है, गांवों की शहरों की होती है, कर लो अभी नहीं तो भूल जाओगे। हाँ नॉर्मल नहीं यार, नॉर्मल NOMAD स्पेस दे दो, लांबा कर दो LAMBA खुला, मैं देखता हूँ। ये आ गया, ये मैंने कल डाली है नाथुला पास की, ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग गया था जीप में, देखना बड़ी मजेदार होगी है। और देखे लाइक कमेंट जरूर करना यार, सब्सक्राइब पिछा कभी मत करो, अगर दिल करे करना नहीं तो मत करना है, ठीक है? ये हो गए मेरे दोस्त और बन गए जी, ये फायदा यूट्यूब के चैनल चलाने का। थैंक यू। इस ट्रेन में 20 कोचेज है, आप सबसे आगे 3 जो जनरल है अनरिजर्व वाले होते हैं, और 14 कोचेज है इसके, डी जैसे D10 है D14 होगा, उसका 3 है इसी चेयर का, 20 कोचेज है टोटल। ट्रेन जो चल चुकी है करनाल से, मैंने बोला इसके साथ ही लेग है, लेकिन अब मुझे स्ट्राइक कर रहा है ये करनाल जो धार्मिक करण थे ना महाभारत वाले, उसके साथ रिलेटेड है ये। अब हम पहुंच गए हैं जी कुरुक्षेत्र, टाइम 9:24। तो ये मेरे पीछे है जी कुरुक्षेत्र का स्टेशन, जो पहले नजर आ रहा था वह थी नई बिल्डिंग, ये पुरानी बिल्डिंग है, और जैसे मैंने बताना शुरू किया है कि KKDE इसका अभी कोड है स्टेशन का, पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और महाभारत का युद्ध यहीं पे हुआ था। अगर किसी टाइम मौका लगा तो मैं आपको शहर के बीच में भी उस जगह को या मंदिर होंगे सबको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, मेरा बहुत दिल है। और ये अब सिग्नल हो गया जी येलो, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर में जल्दी चल जाएगी ट्रेन, तो मैं चला जाऊं कोच के अंदर। ये है जी यहाँ की पब्लिक कुरुक्षेत्र की, जो कि लगता है उतरे हैं, और मोस्ट लाइकली ये जनरल कोच से उतरे होंगे, ताकि जहाँ से भी आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। और ये एक स्टेशन का लाइफ है जी, यहाँ हर एक किस्म के लोग मिलते हैं, और काफी सारी जनता की तो लाइफ जो है ना स्टेशनों के ऊपर ही बीतती है,
बाय बाय। एक और सामान बेचने वाला आया जी, ये किस तरह लग रहे हैं सारे। मैं आ गया हूँ जी गेट के आसपास और यहाँ अम्बाला लगता है आने वाला है। पर ये मेरे बच्चे जैसे हैं, सब बड़े खुश मिजाज है और मेरे चैनल का नाम भी पूछे सब्सक्राइब बदरी करेंगे कि नहीं करेंगे, करोगे? वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे हंसते खेलते मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। राइट, थैंक यू। तुम अम्बाले रहते हो जी? गंगानगर, गंगानगर ये है जी ऊपर जी टी करनाल रोड। ये पहुंचने वाले है अम्बाला कैंट AMB, इसका स्टेशन कोड है। ये मेंटेनेंस का काम ऐसे चलते हैं, ये जो सांस वाले पत्थर है इसको हटाना पड़ता है। इंडियन रेलवे लगता है यूनिफॉर्म नहीं देते हैं इनको। ये अब हम पहुंच चुके हैं जी अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन और ये मजेदार चीज, ये चाय वाले पहले ही जो है तैयार हो रहे, चलती ट्रेन में भाग के देखे। ये आ गया, आ गया, आ गया, आ जा, आ जा, आ जा। ये टाइम हो गया जी 10:04 और मैं भी थोड़े जल्दी में तो नहीं उतरा, थोड़ी स्लो हो गई थी तो मैं उतर गया हूँ यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए। ये पैसेंजर उतर रहे हैं और बाकी चढ़ने वाले हैं। मुझे डर लगता है कहीं मैं ही ना छूट जाऊँ, इतना रश रहता है। तो ये रिजर्व कोच, लेकिन अनरिजर्व वाले भी काफी पैसेंजर इसमें घुसते हैं। ये आ गए जी छोले कुलचे, अब नहीं बनाते वाला, ये भटूरे है। कितने के देते हो ये? 30 रुपए के भटूरे गर्मा गर्म। या अम्बाला स्टेशन को जी अब हमने क्रॉस कर लिया है और हमारा ये ब्रेकफास्ट टाइम। IRCTC के 2 दिन से पहले मैसेज आने शुरू हो गए थे, भैया कैटरिंग खाना ले लो, खाना ले लो। हम तो है भैया देसी आदमी, घर से आए हैं ये एंशियंट टाइम वाले परोंठे और करेले प्याज वाले। ये मेरे फोर फादर जी ऐसे ही खाया करते थे और मैंने भी ऐसे घर से लेके आए हैं। ये मैंने बदलाव नहीं किया एक्सेप्ट कि यूट्यूब पे ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। टिंग 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 टिंग, कैसा लग रहा है? टाइम हो गया जी 10:36 और हम 2 मिनट पहले पहुंच चुके हैं जी राजपुरा जंक्शन। यहाँ से पटियाला नाभा और दूरी के लिए गाड़ी बदले। टाइम हो गया जी 11:43 और शेड्यूल्ड अराइवल है इसका लुधियाना में 11:44। बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन टाइम। प्लेटफॉर्म नंबर 6 मुझे मेरे पीछे भाई साहब ने कनेक्ट कर दिया। यही है ये हमारी डेस्टिनेशन, सामने खड़ी हुई है CTS मुंबई। ये लेडी अब उतरेंगे हम। ये पहुंच गया जी हम लुधियाना और वेलकम हो रहा है हमारा केले वाले भाई साहब। LDH कोड है जी लुधियाना का, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ये है जी हमारी नाने पंजाब एक्सप्रेस, आज हम इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय और फिर देखेंगे अब तो मुलाकात होती है। ये उतर चुके हैं जी लुधियाना और एक बड़ा सरप्राइजिंग चीज नजर आ रही है कि पुरानी बिल्डिंग ऑलमोस्ट सारी डिमोलिश कर दी है और नई कंस्ट्रक्शन हो रही है लार्ज स्केल के ऊपर।